वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, अभी अभी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने 47 चाइनीज ऐप और बैन कर दी है। सो गाइज, ये सेकंड डिजिटल स्ट्राइक है जो इंडिया चाइना पे कर रहा है। जैसे आपको पता था कि 59 एप्स बैन कर दी थी इंडिया ने। और सो गाइज, मैं बता दूंगी 47 एप्स चाइनीज ऐप कौन सी है जो अब बैन हो चुकी है इंडिया में। सो गाइस, उसके नाम बता दूं तो वो बिल्कुल जो 59 एप्स पहले बैन हुई थी उनकी क्लोन है। जैसे टिकटॉक बैन हुआ था तो अब उसकी टिकटॉक लाइट बैन हो चुका है, हेलो बैन हुआ था तो हेलो लाइट, बीगो लाइट, मतलब जितनी भी 59 एप्स पहले बैन हुई है उनकी जस्ट क्लोन एप्स को अब बैन कर दिया गया है। सो गाइज, वो अब बैन हो चुकी है 47 चाइनीज ऐप। और गाइज, अगर बात करें पबजी की, अगर आपको पबजी का वो है खेलने का चस्का तो आप भी कर रहे होंगे कहीं पबजी बैन तो नहीं हुआ। जो गाइस बात कर दे कि जो गवर्नमेंट है, जो उसकी आईटी मिनिस्ट्री है, वो अभी भी पबजी पर देख रही है कि कहीं पबजी तो कहीं डेटा लीक तो नहीं कर रहा है। तो गाइस, पबजी पर भी विचार किया जा रहा है कि पबजी इंडिया में बैन हो सकता है। अभी भी मतलब बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है कि कहीं थर्ड डिजिटल स्टेट में पबजी को बैन ना कर दे, पर टिल देन अभी पबजी पर ऐसा वो नहीं आया कि पबजी बैन हो चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज ये अपने दोस्तों के संग शेयर कर दो, क्योंकि अभी अभी ये न्यूज रिलीज हुई है कि 47 चाइनीज ऐप बैन हो चुकी है इंडिया में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।